This is how it looks and अभी पूरे 7 दिन हो चुके हैं ये लगे हुए, अभी उतारते हैं इसको। तो दिस इज़ हाउ इट्स लुक्स राइट नाउ एंड ये आपको थोड़ा ड्राई दिख रहा होगा क्योंकि 7 दिन से ये रैप इस पर चढ़ा हुआ है, इस करके आपको गंदा सा दिख रहा होगा। अभी इसको वॉश करना है किसी जेंटल सोप से। Day 2 तो ये रहा मेरा टैटू जो कि अभी हील हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये ज़ख्म है, ये अभी अपने हीलिंग प्रोसेस पे है। एंड इसी स्टेज के दौरान जब आपका हीलिंग प्रोसेस शुरू होता है ना, इसी स्टेज में अगर आप केयर करोगे तो आपका टैटू ज़्यादा ग्लो और शाइन करेगा, जैसे कि ये वाला टैटू है मेरा, देख लो अभी तक कितनी शाइन है इसमें। क्योंकि टैटू बनाना तो आसान है पर टैटू की आफ्टर केयर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अभी जस्ट मेरे को एक प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है तो इसको ओपन करते हैं और बताता हूँ मैं इसके अंदर आपको क्या है। तो ये रहा बियर्डो की तरफ से टैटू शाइनर हाइड्रोजेल। तो ये एक टैटू शाइनर एंड हीलर क्रीम है जिससे आपका जो टैटू है वो नरिश रहेगा और अच्छा ग्लो देगा बाद में, और ये हीलिंग प्रोसेस के दौरान लगानी होती है। एंड ये 350 की है, 50 ग्राम्स। 4 to 6 weeks later. So what's up guys, it's your boy Aditya and welcome to my YouTube channel. भाई जब से मुंबई से आया हूँ ना यहाँ पे मन नहीं लग रहा। आज की वीडियो होने वाली है टैटू पे। सो ये रहा मेरा टैटू रिसेंटली जो कि मैंने मुंबई से बनाया था। एंड ये वाला रहा मेरा पुराना टैटू जो कि आप लोग पूछते थे कि कहाँ से बनाया, तो ये भी मैंने मुंबई से बनाया। ये मैंने बनाया था 2017 में, यानी कि 4-5 साल हो गए हैं इस टैटू को बनाए हुए। एंड इसकी अभी भी ग्रेस देख लो कितनी है। तो ये वाला मैंने बनाया था एस टैटू जो कि मुंबई का नंबर 1 स्टूडियो है एंड सारे सेलिब्रिटी वहीं से बनाते हैं। एंड इस बार मैंने डिफरेंट ट्राई किया जिसका नाम है एलियंस टैटू। तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हो ए स्टैटूज़ का भी और एलियन स्टैटूज़ का भी, आपको पता चल जाएगा कि किन किन सेलिब्रिटीज़ ने यहाँ से बनाया। आपने वीडियो में देख ही लिया होगा जैसे कि विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, इन सभी ने वहाँ से टैटू बनवाए हैं। तो मेरे को चाहिए था समथिंग रिलेटेड टू दिस क्रीम, तो दिस इज़ गणेशा, लॉर्ड गणेशा। तो ये बनाया है एंड ये इसी के साथ रिलेट कर रहा है। टैटू बनाना तो एक आसान काम है बट टैटू की आफ्टर केयर करना ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पार्ट है। तो आज की वीडियो उसी पर होने वाली है कि टैटू के आफ्टर केयर पे उसी पे डिपेंड होता है कि आपका टैटू कैसे दिखेगा इन फ्यूचर। जैसे ये देखो मेरा पुराना टैटू, इसकी कितनी केयर की है मैंने एंड स्टिल इसकी भी चल रही है। आज 13वां दिन है इस टैटू का। तो ये मैं पार्ट पहला फ्रंट वाला इंट्रो में बाद में शूट कर रहा हूँ एंड स्टिल ये अभी हीलिंग मोड पे है। सो ये देख लो पास से, ये अभी भी हीलिंग मोड में 50% ये हील हो गया बट अभी ये हील हो रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नया नया टैटू बना के आते हो तो एक डर्मालाइज रैप होता है जो कि आपके बाजू पर, जैसे आपने देखा होगा पहले मेरी बाजू पर लगा हुआ था। सो उसको आपको 7 दिन, कम से कम 7 दिन अपने बाजू पर रहने देना, फिर उसके बाद उसको स्लोली पील करना है। देन आता है मेन पार्ट अपने टैटू को, इसको ज़्यादा ना गर्म पानी ना ज़्यादा ठंडा पानी इसको लगने देना। आपको इसको दिन में एक बार वॉश ज़रूर करना है। आज मैंने सुबह से वॉश नहीं किया तो इसको वॉश करते हैं। तो वॉश करने के लिए आपको ये नहीं कि आप किसी भी साबुन से वॉश कर लो, जो माइल्ड सोप होते हैं उनके साथ वॉश करना है, जैसे कि पियर्स, जॉनसन्स बेबी सोप। सो इसी तरह कम पानी लगा के आपको पूरा ऐसा फोम टाइप कर लेना है। अब इसको सर्कुलर मोशन में आपको रब करना है तकरीबन 1 मिनट के लिए। सो ये सब होने के बाद आपको इसको वॉश कर देना है। वॉश करने के बाद आपको इसको रब नहीं करना है, आपको सिंपली इसको टैप करना है ऐसे
एंड ये प्रोसेस आपको दिन में एक बार करना करना है। स्पेशली इस वाले टैटू वाले एरिया पे आपको दिन में एक बार माइल्ड सोप लगाना लगाना है। ये देखो अभी भी हील हो रहा है, सो इसका भी हीलिंग प्रोसेस शुरू है। ये देख रहे हो, ये सारा इसका हीलिंग प्रोसेस है, अभी ये हील हो रहा है। एंड इसी के दौरान आपका टैटू का डिसाइड होता है कि आपका टैटू की ग्रेस कैसी आएगी। हैंड वॉश करने के बाद आपको अप्लाई करनी है ये चीज़ें। नेक्स्ट स्टेप है कि इसको नरिश करना है। ये है मेरे पास बियर्डो की तरफ से टैटू शाइनर, तो ये बियर्डो की तरफ से है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी बॉडी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। बेटर है कि आप एक ये वाली जेल मंगवा लो, तो ये बियर्डो कंपनी की है एंड मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आपको ऑप्शन मिल जाएंगे एंड ये है 350 रुपीज़ की। सो इसको आपको दिन में हैंड वॉश एक बार करना है एंड इसको दिन में तीन बार आपको अप्लाई करना है, सुबह दोपहर शाम। यानी कि आपको ये जो टैटू है ना ये ड्राई नहीं होने देना है, आपको इसको हर वक्त 24 घंटे नरिश करके रखना है। जैसे आपने देखा कि थोड़ा ड्राई हो गया तो आप टैटू शाइनर क्रीम अप्लाई कर सकते हो। आपको अप्लाई करना है पूरे हाथ पे। क्रीम का क्या होगा कि एक तो आपकी जो टैटू की स्किन है वो नरिश रहेगी और ये हीलिंग प्रोसेस में भी आपका मदद करता है। इस पर जर्म्स जूम्स टिकने नहीं देता, एंटी बैक्टीरियल भी है ये एंड एंटी फंगल भी। सो ये थोड़ा थोड़ा आपको अपने टैटू एरिया पे लगाना है एंड अगेन सर्कुलर मोशन पे इसको आपको रब करना है। तो इसको आपको तब तक सर्कुलर मोशन में रब करते रहना जब तक ये अब्जॉर्ब नहीं हो जाए स्किन में। एंड ये प्रोसेस आपको दिन में तीन बार करना है, तीन बार नहीं तो एटलीस्ट दो बार करो सुबह शाम। एंड अगर आपके पास टैटू शाइनर क्रीम नहीं है तो आप कोई भी बॉडी मॉइस्चराइज़र ले सकते हो एंड इवन की जॉनसन्स बेबी ऑयल भी ले सकते हो। ये तो होगी मेन चीज़ें आपके टैटू की एक्सटर्नल केयर के लिए। एंड इंटरनल केयर के लिए आपको बता दूँ, आपको 45 दिन के लिए हाफ स्लीव्स बिल्कुल भी नहीं डालनी है, आपको 45 डेज़ के लिए फुल स्लीव्स डालनी है ताकि ये डायरेक्ट सनलाइट के कॉन्टैक्ट में नहीं आए, क्योंकि नई नई इंक होती है तो अगर सनलाइट के कॉन्टैक्ट में आएगी तो वो फेड होना शुरू हो जाती है, स्टार्टिंग में फेड हो जाएगी। सो इस करके मेक श्योर कि जब तक जब 50 दिन जब आपने टैटू बनाया उसके 50 दिन के दौरान फुल स्लीव्स डालो ना कि हाफ स्लीव्स, एंड डायरेक्ट सनलाइट के कॉन्टैक्ट में नहीं आना चाहिए। और इस दौरान आपको नॉन वेज बिल्कुल भी नहीं खाना है, हाँ बिल्कुल नॉन वेज नहीं खाना है, गर्म चीज़ें आपको नहीं खानी है। एंड और तो और आपको स्विमिंग पूल बिल्कुल ही अवॉइड करना है 45 डेज़ के लिए। उसके बाद करो जब आपका पूरा टैटू हील हो जाएगा, उसके बाद आप जो मर्जी करो, बट इन 45 दिन ना आप अपने टैटू की केयर करो। क्योंकि अगर इन 45 डेज में आपने टैटू की केयर नहीं की, क्योंकि यही 45 डेज होते हैं कि आपका टैटू कैसा दिखेगा इन फ्यूचर, अगर इन 45 डेज में अगर आप केयर नहीं करोगे तो आपका टैटू का रिज़ल्ट फ्यूचर में अच्छा नहीं होगा। सो 45 डेज़ के लिए प्रिपेयर करके ये चीज़ें जो जो मैंने बोली बिल्कुल अवॉइड करें। एंड अगर मेरे से कुछ मिस हो गया होगा तो आप गूगल भी कर सकते हैं। ये 45 डेज डिसाइड करेंगे कि आपका टैटू कैसे दिखता है। अगर तो आपने केयर नहीं की तो फिर फेड, अगर केयर की तो देखना रिज़ल्ट आपके सामने आएगा। क्योंकि ये मेरा पहला टैटू है, मैंने खुद ये चीज़ें की हैं, इस करके मैं आपको बता रहा हूँ।